हे गाइज, क्या चाल? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एलवी शैडो के बारे में। तो क्या एलवी शैडो एक ऐसा प्रोजेक्ट लाने वाले हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट होगा? यस गाइज, इस पर बात करते हुए एलवी शैडो अपने लेटेस्ट व्लॉग में कुछ ये बोले। भाई, एक ऐसी चीज बनाने वाला हूँ मैं, मतलब विद हेल्प ऑफ समबडी जो इंडिया में है ही नहीं। इंडियाज फर्स्ट रिवील करूंगा। आज मेरी मीटिंग है सुबह, तगड़ी चीज बनने वाली, बना रहे हैं हम अपने हाथों से ना, उसका वेट करना तुम। हाँ, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं UK07 राइडर के बारे में। तो क्या UK07 राइडर सलमान खान और बिग बॉस के ऊपर एक डिस्ट्रैक्ट लाने वाले हैं? यस गाइस, इस पर बात करते हुए UK07 राइडर अपने लेटेस्ट व्लॉग में कुछ ये बोले। संगम भाई के साथ हमने गाना करा था सिस्टम, 22 मिलियन। हाँ, ये जो डिस्ट्रैक्ट है तो बिग बॉस और सलमान भाई को डिस्ट्रैक्ट कर रहे गाइस, नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट हम बात करते हैं थाराबाई जोगिंदर और पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो थाराबाई जोगिंदर और पुनीत सुपरस्टार ने धमकी दी है क्रेजी दीप को अपने लेटेस्ट एक्सपोज वीडियो को डिलीट करने के लिए। यस गाइस, क्रेजी दीप के लेटेस्ट एक्सपोज वीडियो की एक पर्टिकुलर क्लिप आप खुद देखिए। लेकिन जोगिंदर मेरे क्लाइंट क्रेजी दीप को इंस्टाग्राम पे धमकी देता है FIR की। क्या कह रहा है? जोगिंदर एक्टिंग कर रहा है, भगवान के नाम पर व्यूज खा रहा है। अगर हमारे भगवान की कोई मूर्ति तोड़ेगा, खड़े खड़े देखूंगा क्या मैं? हारे जैसे तो बोल नहीं पाते, हम अपने आप को यूट्यूबर समझते हो, बहुत बड़ा। अबे ओ हंटर हो, जाकर अपना यूट्यूब पे अपना काम धंधा कर लो, मेरे को मत सिखाओ। अगर गलती से आज के बाद वीडियो बना भी दी ना, पुलिस केस ठोक दूंगा। जोगिंदर भाई एकदम सही कह रहे हैं कि अगर हिंदुत्व के खिलाफ में कुछ भी होएगा तो जोगिंदर भाई आवाज उठाएंगे। लेकिन नूपुर शर्मा के केस में आपकी रील काम गई। कन्हैया लाल के लिए भी आपने रील बनाई होगी, या उमेश कोले के लिए बनाई होगी, या फिर दिल्ली दंगों में तो आपने बनाई होगी, है ना भाई? हाँ, उस टाइम तो ना कोई पोस्ट, ना रील, ना ट्वीट किया हिंदू धर्म के लिए। लेकिन अब जब रोटी से निकल गए, पैसों की कमी पड़ गई है, तो आ गए यहाँ पे हिंदुत्व के नाम पे व्यूज और पैसा छाप। और इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फिर से एलवी शैडो के बारे में। तो क्या एलवी शैडो का इंस्टाग्राम अकाउंट बार बार क्रैश या फिर बैन हो रहा है? यस गाइस, इसके ऊपर रेस्पॉन्ड करते हुए एलवी शैडो अपने लेटेस्ट ब्लॉग में कुछ ये बोले। एक अपडेट है, मेरा इंस्टाग्राम की क्या हालत हो रखी है? जो भी मैसेज कर रहा हूँ मुझे इंस्टाग्राम पे इस टाइम, आई कांट रिसीव एनी मैसेज। सी, ये है मेरे DMs मैंने खोले, ऐसे है ना, ऐसे होता है ये, ऐसे मैंने DMs खोले, ये देखो नहीं खुल रहे। भाई मेरे DM ठीक करा दो यार, ये देखो ना ब्रॉडकास्ट का चैनल खुल रहा, ना मेरे DMs खुल रहे। ग्लिच है थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे। मैनेजर, किसी और के तो नहीं हो रही? किसी और क्या तो नहीं हो रहा गाइस, मेरे मैनेजर जो रागा भाई कुछ काम नहीं करता ढंग से, तू मेरा ना कर रहा। पहले इसके बारे में आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पहले गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।